उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 10 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि बीएसपी सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। मायावती ने पार्टी की बैठक में कहा कि केंद्र और यूपी की सरकार महंगाई, बेरोजगारी, पिछड़ेपन से ध्यान हटाने के लिए बुलडोजर का सहारा ले रही है, धार्मिक उन्माद फैला रही है। साथ ही उन्होंने मस्जिद मदरसा संचालन और वक्फ में जबरदस्ती दखलंदाजी का भी आरोप लगाया। वही आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीएसपी विधानसभा उपचुनाव में बड़ा मुद्दा बना सकती है। मायावती ने आज लखनऊ में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में यूपी स्टेट पार्टी यूनिट के सीनियर पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए पिछली बैठक में दिए गए जरूरी दिशा निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट लेने के साथ ही विधानसभा उपचुनाव को लेकर जमीनी तैयारियों की गहन समीक्षा की गई। मायावती ने इस बैठक में फूलपुर और सोनभद्र से पार्टी उम्मीदवार का नाम भी फाइनल कर दिया। चुनाव बहुजन समाज पार्टी पूरी तैयारी से मजबूती से लड़ेंगे। आरक्षण को लेकर भी कुछ उन्होंने कहा है? आरक्षण को लेकर वही जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी वही। चुनाव में क्या नाम हो सकते संभावित, क्या इसको लेकर कुछ चर्चा है? जी, दो प्रत्याशी हमारे तय हो गए हैं और 8 का 2-4 एक आध हफ्ता में सप्ताह में हो जाएगा। कहाँ के प्रत्याशी तय हो गए? सोनभद्र का और फूलपुर का। जी, मान्य बहन जी ने पूरा फोकस उपचुनाव पर भी दिया है और बाकी जो सर मान्य बहन जी ने जो आरक्षण पर जो हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है उस पर भी दिशा निर्देश आप लोगों को विज्ञप्ति मिल गई होगी, उस पर भी माननीय बहन जी ने स्पष्ट अपना रुख अपनाया है। पिछली बैठक की रिपोर्ट, जमीनी तैयारियों का जायजा और बसपा सुप्रीमो मायावती की उपचुनाव को लेकर राजधानी लखनऊ में एक अहम बैठक। मायावती ने नजरें गड़ा दी हैं अब उपचुनाव में। 2012 के बाद पहली बार अब मायावती उपचुनाव में पार्टी को उतार रही हैं। बाहर आए नेताओं की माने तो सोनभद्र और फूलपुर में लगभग तय हो गया है प्रत्याशी का नाम। हालांकि पार्टी अभी सामने नहीं ला रही है, लेकिन एक बात साफ है कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर अयोध्या के दौरे कर रहे हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर रहे हैं, तो वहीं मायावती बैक टू बैक इस तरह की बैठकें लेकर तारीखों के ऐलान से पहले सभी दल जमीन पर अपनी जमीन मजबूत करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। और अब बात कर लेते हैं मायावती के सियासी कद की। ऐसा क्या हुआ कि 2012 के बाद पहली बार बीएसपी उपचुनाव में दम दिखाने को तैयार है? देखा जाए तो मायावती का सियासी कद पिछले कुछ चुनावों में घटा है, दलित वोटर्स उनसे छिटके हैं। मायावती ने 2019 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा था और बीएसपी के 10 सांसद बने थे। मायावती को 75% जाटव और 42% गैर जाटव वोट मिले। 2014 में मायावती को 68% जाटव और 30% नॉन जाटव वोट मिला था। विधानसभा चुनाव में भी जहां 2007 में मायावती को 16% दलित वोट मिला, वहीं 2022 की विधानसभा में घटकर 9.96% रह गया और 2024 के लोकसभा चुनाव में 9.39% ही दलित वोट मिल सका था। इतना ही नहीं, लोकसभा में बीएसपी शून्य पर सिमट गई थी। ऐसे में मायावती के लिए 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव काफी मायने रखते हैं। हालांकि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से एक भी सीट 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने नहीं जीती थी। मायावती 10 सीटों पर उपचुनाव में उतरने के लिए तैयार है, मगर बीजेपी कह रही है कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। बसपा पहले भी उपचुनाव लड़ी है, सैन्य बीच के कालखंड में उन्होंने नहीं लड़ा था, पहले भी उनका चुनाव उपचुनाव लड़ती थी, तो अभी लोकसभा में भी लड़ी थी, तो उनका तो अपना पार्टी का वो है, अपने पार्टी का कैंडिडेट लड़ाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाजपा सीट जीतेगी ये मैं जानता हूँ। वो बार बार आरक्षण को लेकर बात कर रही हैं, वर्गीकरण को लेकर कह रही हैं, ना विपक्ष कुछ बोलता है इसको लेकर, ना सरकार कुछ बोलती है इसको लेकर। उनकी जो नीति है वो अपनी नीतियों को बताती हैं, कोई जरूरी नहीं कि सभी पार्टियों की नीतियां एक तरह हो जाए। बीजेपी की तरह ही कांग्रेस भी दावा कर रही है कि उपचुनाव में वो भी 10 की 10 सीटें जीतेंगी। सूत्रों के मुताबिक 10 सीटों में से कांग्रेस 4-5 सीट की डिमांड कर रही है, जबकि सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीटें देने के ही मूड में है, जिसमें गाजियाबाद और मिर्जापुर शामिल है। हालांकि आखिरी मोहर राष्ट्रीय नेतृत्व के मोहर लगने के बाद फैसला होगा।
मगर कांग्रेस कह रही है कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे और सभी सीटें जीतेंगे। 10 की 10 जीतेंगे, डंके की चोट पर 10 जीतेंगे। शेयरिंग को लेकर कुछ फॉर्मूला लड़ेंगे, मिलकर लड़ने वाले हैं, डंके की चोट पर 10 जीतेंगे और पूरा का पूरा पक्ष में हमारे माहौल है। पूरे प्रदेश में आम जनता उब चुकी है, महंगाई से, बेरोजगारी से, इनके बड़े बड़े दिखावे से उब चुकी है जनता। अब वो गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी। बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि तालमेल नहीं बैठ पा रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, तो मेरा तो सब देखिए तालमेल हमारे लिए क्यों परेशान है, वो अपना तालमेल बैठाए ना। अब योगी जी का अमित शाह जी के साथ तालमेल नहीं है, योगी जी का केशव मौर्या के साथ तालमेल नहीं है, अपने में ही लड़े जा रहे हैं। रोज पंचायत हो रही है, संघ कभी पंचायत करता है, कभी दिल्ली दरबार में किया जाता है, तो मुझे लगता है कि पहले अपने अपना सामंजस्य देखें, हमारा सामंजस्य फिट है, हमारे लिए चिंता ना करें। अब आपको उन 10 सीटों के बारे में बताते हैं जहां उपचुनाव होने हैं, और ये सीटें हैं फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मंजवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटेहरी और कुंदरकी, जहां के विधायक इस बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए। वहीं 10वीं सीट जो है वो सीसामऊ समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के आपराधिक मुकदमे में सदस्यता रद्द होने की वजह से खाली हुई है। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने भी कमर कस ली है। जिन विधानसभा में उपचुनाव होना है वहां के सभी मंडल स्तर के पदाधिकारियों से अलग अलग सीएम योगी मीटिंग करते दिखे। चुनावी विधानसभा क्षेत्र अंबेडकर नगर और अयोध्या के दौरे सीएम योगी कर चुके हैं। पिछले 10 दिनों में 2 बार योगी अयोध्या गए, 1 बार अंबेडकर नगर गए। करहल की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मिली है, जहां आज उन्होंने रणनीति बनाई। करहल विधानसभा सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। इससे पहले शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बीजेपी उपचुनाव होने वाले सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी मंत्री बना चुके हैं। समर्थ हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। समर्थ, यानी हर दल ने अपनी कमर जो है वो कस ली है, लेकिन अब ये मामला त्रिकोणीय बैठता हुआ नजर आता है, जब बीएसपी अब उतर चुकी है और उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। देखिए, मायावती ने इस पूरे उपचुनाव को अर्पिता बहुत ही दिलचस्प बना दिया है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि बसपा ने जब जब चुनाव लड़ा है भले ही वो बहुत सीट ना ला पाई हो, लेकिन सामने वाले का चुनाव जरूर खराब हुआ है। तो ऐसे में उपचुनाव में आने से मायावती ने ऐलान तो कर दिया है कि वो 10 की 10 विधानसभा सीटों में इस बार, उपचुनाव की सीटों में इस बार लड़ने वाली है, लेकिन बड़ी बात साथ साथ में ये आती है कि किस तरह से इस पूरी रणनीति के साथ मायावती जाने वाली है, क्योंकि उन्होंने जो बैठक ली है उसमें 2 सीट जो है, जो जानकारी हम लोग को मिली है, वो फाइनल हुई है, यानी कि फूलपुर और जो सोनभद्र की सीट है वहां प्रत्याशी का चयन हो गया है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मायावती ने जिस तरह से ऐलान किया और जो बार बार वो आरक्षण में वर्गीकरण के मुद्दे को उठा रही हैं, वो बार बार ये कहती आई हैं कि जो इंडिया अलायंस है, स्पेशली जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, जिसको इस बार दलित वोट शिफ्ट हुआ है मायावती का अच्छा खासा, उसने संविधान के नाम पर गलत बातें फैलाई, इसको इस वजह से वोट शिफ्ट हुआ है। मायावती अब इस आरक्षण के वर्गीकरण के मुद्दे को न केवल विपक्ष, न केवल सपा कांग्रेस को घेर रही है, बल्कि बीजेपी को भी घेरती नजर आ रही है। वो ये तक कह रही है, पार्लियामेंट हुई, प्रधानमंत्री भी रहे, विपक्ष के तमाम नेता रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे रहे, लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे को आखिर क्यों नहीं उठाया। स्पेशली मायावती सोचिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है केवल इसी मुद्दे को लेकर, तो मायावती ने अपने कार्ड खोल दिए हैं कि वो किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर आगे जाने वाली। हालांकि जो अन्य दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, मुख्यमंत्री ने खुद पूरी बागडोर अपने हाथ में ले ली है। आप देखिए 10 दिन में 2 बार मुख्यमंत्री अयोध्या का दौरा कर चुके हैं, अंबेडकर नगर जा चुके हैं, तो वहीं अखिलेश यादव अपने कार्यालय में लगातार नेताओं से मिल रहे हैं और उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं।